क्या करूं क्या करूं क्या करूं, देश को भी तो आगे बढ़ाना है और भी तो कुछ काम करने हैं, क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। हाँ यार, मैंने YouTube पर देखा था, उसे ही था कर तू, नेता बनना पड़ेगा अगर कुछ करना पड़ेगा अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो। अरे मैं ही नेता बन के दिखाऊंगा, और तो कोई बन नहीं पावे नेता। नेता बन गया इतने बड़े बड़े काम करूंगा, सब की छुट्टी और कर दूंगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। नेता ही बनती, अब देखो मैं नेता ही बनूंगा, मैं बनूंगा देश को नेता और देश को। और जब मैं बतलाऊंगा कि जा देश में कितना घपला करो है, और सबको लाइन में लगाऊंगा, जब नेता बनकर कुछ उद्धार कर पाऊंगा। अरे सुरेश भैया कहाँ कर रहे हो ये? मेहनत कर रहा हूँ भैया, मेहनत है? मेहनत कर रहा हूँ। इतनी मेहनत काय के लिए है ये? नेता बने हुए काजे कछु तो करना पड़े हो भैया, नेतागिरी में कहाँ रखो है? अरे नेतागिरी में बहुत कछु रखो है, इतना कछु रखो इन देश अंदर, जो जितने बड़े 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 नेता जिन्होंने लूट रखो का उन पर तो वापिस ही तो लेना है, हिसाब किताब से। भैया जो उन्नीस ने तो कछु करना पाओगे तुम क्या करोगे? भैया करेंगे कैसे ना, 2019 में अगर आएंगे तो करेंगे, बहुत कछु करेंगे, पापड़ बेल के जब तो नेता बनेंगे आगे चल के। भैया तुम भेज जाओ, तुम पापड़ बनाओ। अरे भैया पापड़ ही बना ले, का करे बना भैया, बिगर पापड़ बनाए कछु ना, अगर पापड़ बेलोगे तो अच्छे रहोगे, आओगे 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 या देश को उद्धार होए। जल्दी जल्दी बेलो, मेहनत करनी है काफी, पापड़ बेल बेल के जब तो नेता बनो हमें, अगर पापड़ ना बेल पाए तो आगे बढ़ू ना पाएंगे, जल्दी करो जल्दी जल्दी, बहुत सारे पापड़ बेलने, बहुत मेहनत। मैं तो ठीक हूँ बहन जी, ये क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहे हो भैया? ये पापड़ इतने सारे क्यों बेल रहे हो, कुछ खास है क्या आज? खास कहा है बहन जी, मैंने अतका यूट्यूब चैनल पर देखी है। यूट्यूब चैनल पे देखा? हाँ, क्या नेता बनवे के काजे पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो मैं तू जावे तो पापड़ बेल लूं, और नेक ना बेलूंगा ढेर सारे पापड़ बेलूंगा, खूब बेलूंगा, हॉट हॉट का बेलूंगा, बेलूंगा जरूर, लाओ बेलन दे और पापड़ बनने बेलने पड़ते हैं, तो लोग बाग इतने सारे पापड़ बेलते और सब इतने सारे नेता बनते, नेता बेलने के लिए पापड़ नहीं बेलने पड़ते? हाँ भी कहीं याद दोनों की था भैया, नेता बनने के बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो मैं समझ में आया मैं लाल आ रहे मैं ही था पापड़ बेल लूं। नहीं भैया, नेता बनने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़े कत्तर है मेहनत, नौकरी था पापड़ था बेलने पड़ता है, ये मेहनत नहीं। और कैसी मेहनत करनी पड़ता है फिर हमें? नेता बनने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना होता है। जमीनी स्तर पर मतलब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ना होता मेहनत करनी होती है, हमें जागरूक करना पड़ता है समाज को, जगह जगह जाके हमें कैडर देना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, तब वो तुम्हें वोट देंगे, तब तुम एक अच्छे नेता बनोगे। हमें BSP को लाना है, बहन जी को लाना है, और जमीन स्तर पर आपको काम करना है तो आप नेता बनोगे, और बहन जी हमारी इस बार PM बनेगी। समाज एकजुट हो जाता तो कहा है, तो नहीं कितना पापड़ बेले तो ही बड़ा पापड़ बेलने पड़ता है जब नेता बनता तो आदमी, तो मेरी तो समझ में गई आएगा, तो मैं तो जाइए लेकर बैठोगे। अब ये छोड़ो, आप जमीनी स्तर पे काम करो, समाज को जागरूक करो। हाँ हाँ, अब ये काम करो, ये मत करो, या बंद करो ना, फिर इस चीज से कुछ नहीं होगा। तो बहन जी काम करो, बहन जी तो ये एक बात और बताओ, तुम अगर तुम आई गई हो तो मेरे कहा थोड़ा ना समझदारी और मिल गई है, फिर मेरे का कौन सा काम करना चाहिए बहन जी के कहा जाए? बहन जी ये तो कहाँ PM 2019 में बनेगी, उनकी सरकार आगे बढ़ेगी और समाज में अच्छा काम करेगी, इनकी तरह ना जो ये जुतबंद नेता है जो लूट लाट बटा रहे हैं, डकैती पर रही हैं, देहात में रहना मुश्किल पर रहो तमाम है रहे हैं, तो मेरे का जी ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जो बहन जी की सरकार आगे बढ़े 2019 में PM बन के हमारी बहन जी दिल्ली में आ सकें? अगर हमें बहन जी को देश में लाना है तो आपको घरों में जाके बहन जी को आगे उनके बारे में बताना होगा, समझाना होगा कि जो ये दो पैसों में ये थोड़े से पैसों में बिक जाते हैं, उनको भी समझाना होगा जाके कि अगर आप बहन जी को वोट देंगे, अगर बहन जी की सरकार आएगी तो ये हमारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होगा, कि लड़कियों के साथ छेड़खानी नहीं होगी, गुंडागर्दी नहीं होगी, जो हमारे साथ हम लोगों से जो अत्याचार हो रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे अगर बहन जी आई इस बार तो। और आपको यही जाके घरों में समझाना होगा कि इस बार जो वोट दो आप BSP को दो, और आप BSP को जिताओ, 2019 में बहन जी को लेकर आओ। तो इन पापड़ ने फिर बेलवे की जरूरत ना, फिर तो हम गलत काम कर बैठे। इस पापड़ को बेलना नहीं, हमें समाज को दिखाना है काम करके, बहन जी को लाना है इस बार
2019 में हमें बहन जी को लाना है। अरे फिर तो बन गए भैया, काम है वो, अब तो ऐसे ही करना पड़ेगा, घर घर जाकर लोगों को शिक्षित करना, उन्हें समझाना और उन्हें बताना कि भैया एक बोतल में नहीं बेचना और देहात में अब ऐसे ही करना पड़ेगा। भैया नेता जो बनना हो, बहन जी को बहुत काम आगे बढ़ाना हो और नीले झंडा को हमेशा फहराना है। क्या देश में तो बहन जी को रहा 2019 में तो हो कहीं रहे हो। बहन जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती। अगर बहन जी अगर अगर तुम ना आती तो मैं तो पापड़ बेलते बेलती मर जाते। और जो आपने मेरे ख्याल से ज्ञान बताओ, जो शिक्षा बताई है, जो रास्ता बताओ बहन जी के मार्ग पर चलने को, मैं बातें वंचित रह जा तो आपने कचू जी मेरी आंखें खोल दी। जय भीम दोस्तों, आपने आज देखा कि पापड़ बेलने से कोई नेता नहीं बनता। अगर आपको बहन कुमारी मायावती जी को 2019 में लाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समाज को जागरूक करना पड़ेगा और ये गलत बातों से आपको दूर होना पड़ेगा, तभी हमारा समाज जागरूक होगा। ये जो गलत काम हो रहा, गुंडागर्दी हो रही है, ये सब बंद हो जाएंगे। लेकिन ये हमें पापड़ नहीं बेलना, हमें जमीनी स्तर पे काम करना है। और इस बार बहन कुमारी मायावती 2019 में आनी है और हमें उनको जिताना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यूटीवी को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज घंटी का बटन दबाना ना भूले, जिससे आपको नई नई वीडियो आगे आगे मिलती रहे। यूटीवी।